आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गर्वेद। हम आ गए हैं अपने डे 12 में। बहुत बड़ी सीरीज चली, कुछ दिन वीडियो मिस थी, कुछ दिन तक वीडियो नहीं आई, 2-3 दिन तक, ठीक, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने डे 12 में आ गए हैं। डे 11 हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस को देखा था, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मैंने चालू कर दी थी लीनियर इक्वेशंस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 से देखना चालू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम कुछ नेक्स्ट टाइप के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले देख लिए थे, आज थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 106 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर 2-डिजिट नंबर, जहाँ पे भी देखिए ध्यान से दीजिए, आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि अगर आपसे 2-डिजिट नंबर की बात होती है, ठीक है, अगर आपसे 2-डिजिट नंबर के लिए बोलता है तो 2-डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाने वाले हैं। कल मैंने उस दिन आपको बताया था, जब भी 2-डिजिट नंबर बोले तो आप लेट कर लीजिए कि वंस प्लेस को आप क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और टेंस की प्लेस को, और टेंस की प्लेस को आप क्या मानेंगे, ये मानेंगे 10, वाई मानेंगे, क्लियर। जैसे मुझे आप चाहते इसको वाई मान सकते हैं, इसको 10x मान सकते हैं, ठीक है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप वंस की प्लेस को x मान लीजिए और टेंस की प्लेस को 10y मान लीजिए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मैंने क्वाड्रेटिक वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके 2-डिजिट नंबर्स की बात होगी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x प्लस 10y ले लेंगे, या फिर हम लोग ले सकते हैं y प्लस 10x, दोनों कंडीशन सही है, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए अब जो क्वेश्चन हमें से कह रहा है, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेना है, जब 2-डिजिट नंबर्स की बात होगी तो कैसे आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर 2-डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट इन अ 2-डिजिट नंबर, इन 2-डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट कितना है, ट्वाइस से 10th डिजिट का। कह रहा है इफ 27 इज एडेड, ठीक, इधर इसको ध्यान दीजिए, इफ 27 इज एडेड, साफ लिख लेता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आ जाए, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज योर प्लेसेस, 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना, अपना प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब हमसे बोला गया कि फाइंड द नंबर, नंबर बताने हमें, फाइंड द नंबर। अब हमें बताना है नंबर्स को फाइंड करना, कह रहा है 2-डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, फाइंड द नंबर, हमें नंबर को बताने। तो ऐसी कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट को हम क्या मान लेंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास है यूनिट डिजिट x है और प्लस में क्या कितना है ये 10y, ये मेरे पास नंबर है। अब पहली कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस से 10th डिजिट का, ठीक है, यूनिट डिजिट ट्वाइस से 10th डिजिट्स का, ये मतलब हो गया कि जो x है वो बराबर किसके है, वो 2y के बराबर है, है ना, जो यूनिट प्लेस है वो ट्वाइस है किसके, 10th प्लेस का, करेक्ट। ये दो चीजें हो गई हमें यहाँ पे, कह रहा है नंबर ऑब्टेन इफ, कह रहा है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तो डिजिट इंटरचेंज तो ये ऐसी है ना, ऐसा नंबर मान रखा था, जब डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस का वाई हो जाएगा, क्लियर, इंटरचेंज करने पर हमारे पास ये कंडीशन बनती। तो कह रहा है कि जब नंबर है, जो नंबर हमारे पास हमने लेट किया था उस नंबर के अंदर, जो नंबर हमने लेट किया था उस नंबर के अंदर जब हम 27 को ऐड करते हैं, समझिएगा, जो नंबर हमने लेट किया था उस नंबर के अंदर जब हम 27 को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद में, ठीक, 27 को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में डिजिट्स क्या करती हैं, अपना प्लेस को इंटरचेंज कर ले जाती हैं, मतलब 10x प्लस 10y प्लस x प्लस 27 और ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपस में अपने आप को इंटरचेंज कर ले रही हैं, मतलब 10x प्लस y हो जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए 10y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9y, है ना, 10y माइनस का y इक्वल टू 9y, इधर x माइनस का 10x मतलब माइनस का 9x, क्लियर, और प्लस का 27 हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 27 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ से देखें इस जगह से तो क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं कि चलिए देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं ना,
कि 9 सारी वैल्यूज को लिख रहे थे 27 वैल्यू दे देते, तो 10x माइनस मतलब 9x माइनस का 9y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। 9 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का वाई, और 9 कॉमन लेने के बाद डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 से जा 27, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया 2y है करेक्ट, तो x इक्वल्स टू 2y x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 रख देंगे वैल्यूज हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x की जगह कितना आ जाएगा x की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 2y आ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 2y माइनस का वाई इक्वल्स टू 3, सो वाई वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया करेक्ट। x का वैल्यू कितना आ जाएगा वाई वैल्यू 3 आया तो x वैल्यू वाई वैल्यू 3 है तो 3 टू जाए 6, x वैल्यू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा क्लियर। इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर हम लोगों ने माना था वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू में y कितना है 3 और प्लस का x कितना है 6, मतलब 10 थ्री जा 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, मतलब नंबर जो भी हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाने वाला है 36, हमें नंबर बताना था ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद कितना हो जाता है ये 63 हो जाता है क्लियर ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे गए और बहुत बढ़िया तरीके से बार बार रिपीट करके पूछे गए ठीक है, बड़ा आसान होता है इनको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टू डिजिट नंबर द टेंथ डिजिट इज द टू डिजिट नंबर, यहाँ पे क्या था यूनिट डिजिट था है ना, यहाँ पे क्या है टेंथ डिजिट है, यहाँ पे कह रहा है कि टेंथ डिजिट इज यहाँ पे ट्वाइस था यहाँ पे क्या थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स करेक्ट, इज थ्राइस थ्राइस मतलब 3 टाइम्स थ्राइस द यूनिट डिजिट थ्राइस द टेंथ डिजिट थ्राइस द यूनिट डिजिट इफ कह रहे व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा कह रहे हैं इफ, यहाँ पे एडिट क्या कर रहे हैं कि इफ द नंबर आर, यहाँ से डाल के वापस लिख देता हूँ क्वेश्चन को, कह रहा है कि इफ द नंबर आर डिक्रीज्ड बाई 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड फाइंड द नंबर, हमें नंबर को निकालना है हमें नंबर को पता करना है क्लियर। टू डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट इफ द नंबर आर डिक्रीज्ड बाई 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड फाइंड द नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आप क्या जैसे टू डिजिट नंबर, जहाँ पर भी टू डिजिट नंबर है सबसे पहले आपको लिख लेना क्या टू डिजिट नंबर 10y प्लस एक्स, यूनिट प्लेस क्या है एक्स, टेंस प्लेस क्या है वाई, कह रहा है अब जो टेंस का जो टेंस डिजिट है ना, जो टेंस की डिजिट है वो थ्राइस है यूनिट डिजिट के ठीक है, मतलब जो वाई है वाई किसके बराबर, वो बराबर है 3x के ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिल गई क्लियर। इन अ टू डिजिट नंबर टेंथ डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, कह रहा है अगर नंबर इज डिक्रीज बाय 54, अगर नंबर में से हम 54 को माइनस करते हैं, इस नंबर में से ना 54 को माइनस कर देते हैं तो जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा ये 10x प्लस वाई हो जाएगा क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं करना होता है। टू डिजिट नंबर दिया है आपको तो टू डिजिट नंबर में आपको 10y प्लस एक्स मानना है, पहला काम हो गया ठीक। दूसरा काम सबसे पहले दूसरा काम उसके बाद क्या करना है कि जो आगे लिखा हुआ है कि यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट जैसे भी करना है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब कह रहा है डिक्रीज मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जो डिजिट हमने मानी थी क्या माना था 10y प्लस एक्स, उसमें हम क्या करेंगे 54 माइनस कर देंगे, और ये जब डिजिट 54 माइनस करते हैं तो क्या हो जाते हैं इसके जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 10x प्लस वाई आ जाएगा ठीक है, 10x प्लस वाई, सिंपल सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक, वही सेम चीज़। अब उसको क्या करते हैं डिजिट्स को लेके आते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस का 9x क्लियर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस का 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 क्लियर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू नेगेटिव है, इधर आएगा 54 हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस का x, एक मिनट
यहाँ से हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस का एक्स इक्वल्स टू नाइन इधर आएगा डिवाइड में तो हो जाएगा कितना 9 6 जा 54 तो यहाँ से जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब वाई माइनस का 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। वाई की जगह क्या मान रखा है हम लोगों ने 3x तो 3x माइनस का x इक्वल्स टू 6 तो यहाँ से जाएगा कितना 2x तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर x 3 आ गया y कितना आ जाएगा x 3 आ गया तो y आ जाएगा 3 3 3 9। x 3 आया y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो नंबर हमारे पास हम लोग रिलेट करेंगे वो क्या जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10 इंटू में 9 और प्लस का 3 93 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर सिंपल सा 2-3 लाइन का आंसर है। ठीक है जब भी क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 नंबर में आ जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है और कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस इंटरचेंजिंग वाले। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखिएगा। ठीक है क्लियर चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 हमारा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 तो क्वेश्चन नंबर 108 हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 हमसे बोल रहा है कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। कह रहा है कि सम ऑफ थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है मैं लिखने में थोड़ा सा टाइम ले लूँ सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर्स फॉर्म्ड बाई एंड नंबर्स फॉर्म इसको मैं हटा देता हूँ आपको पता ही चल गया है डे 12 है लिखें इसको मतलब अंदर में फॉर्म्ड बाई डिजिट इज फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट हल्का सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा क्या। ठीक है चलिए आई होगा क्लियर हो रहा होगा अब। ठीक चलिए सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110 इफ 10 इज सेपरेटेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर if 10 is subtracted from first number the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number क्लियर। देखिए हमें कहना है कि हमें बता रहा कह रहा है फाइंड द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। कह रहा है दो डिजिट का जो सम है और उन नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद में है ना उन नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद उनका जब हम सम करें तो 110 आ रहा है। कहने का मतलब अगर हम डिजिट्स को रिलेट कर लें कि 10y प्लस x मान लीजिए हमारे पास डिजिट ये डिजिट है सपोज करिए है ना हम रिलेट कर लेते हैं कि 10y प्लस x हमारी डिजिट है इसका जब हमने इंटरचेंज किया तो हो जाएगा यहाँ से 10x प्लस y हो जाएगा करेक्ट। अब कह रहा है इन दोनों का सम करने पर मेरे पास आंसर कितना आ रहा है ये आ रहा है आंसर मेरे पास 110। ठीक एक रफ सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ आपको कर दे ठीक है उसको बाद हम पूरे ढंग से करेंगे। फिर कह रहा है कि 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर अगर पहले वाले नंबर से हम 10 माइनस कर दें है ना पहले वाले नंबर से हम क्या कर दें 10 माइनस कर दें इस वाले नंबर से हम क्या कर दें 10 माइनस कर दें 10 माइनस कर दें एंड अ न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर और मतलब कितनी बार जो डिजिट्स का सम है मतलब x प्लस वाई इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स और इसमें कितना ज़्यादा है 4 मोर है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन था तो हमें कह रहा है कि फाइंड चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं ना इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक देखिए
यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, कह रहे हैं सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर मतलब हो जाएगा हमारे पास 10y, चलिए पहले मैंने अज्यूम कर रखा है कि 10y प्लस एक्स नंबर होगा, है ना, इसका इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 10x प्लस वाई, और इनका सम करने हमारे पास आ रहा आंसर 110, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन 2 हमसे क्या कह रही है, इक्वेशन 2 हमसे कह रहा है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर में से, ये फर्स्ट नंबर में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेते हैं, है ना, तो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, 5 times द सम ऑफ द डिजिट एंड 4 मोर, कह रहा है कि 4 मोर देन 5 times द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गए, अभी नहीं घूम लो, सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे इस जगह से, ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस x कितना हो गया 11x, 11x प्लस 11y, 11x प्लस 11y, सॉरी 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 110, सो x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक। ये हमारे पास हो गए इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं इस जगह से, तुम्हारे पास हो जाएगा 10y प्लस का x माइनस का 10 इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस का 5y प्लस का 4, ठीक है। फिर जब हम इधर इस तरफ हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें बन जाती हैं वो आ जाएगा आपका यहाँ से 4x माइनस का 5y और इधर 14 मतलब 4 14, ठीक, ये आ जाएगा। तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास बनी 4x माइनस का 5y इक्वल्स टू 14, लीजिए सिंपल सा दो चीज़ें हो गई। अगर दो इक्वेशन है आपसे, चाहे एलिमिनेशन करना चाहे सब्स्टिट्यूशन करना चाहे, जैसी आपकी इच्छा है ना, आप जैसे मर गए वैसे आप कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सिंपल सब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम से ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मेन यही खेल रहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ ध्यान देना रहता है कि आप कैसे किस तरीके के क्वेश्चन को आप बनाएंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, शुरुआत को खाली बस आपको जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपको इक्वेशन के फॉर्म में बदल लेना है, बाकी सारा काम आसान होता है, बस यहाँ से आप बड़े आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन लीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक वैल्यू आ जाएगी, वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6, मतलब जो नंबर आपके हो जाएंगे, नंबर जो हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में जो नंबर हम लोग लेट किया था, लेट किया था क्या हम लोगों ने 10y प्लस x लेट किया था, मतलब 10 इंटू 6 प्लस में 4 तो हो जाएगा 64 हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्लियर, बढ़िया सही तरीके से आपको आ गया होगा, बहुत सिंपल है। सिंपल सा चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको एक एक लाइन से करते चले जाएंगे हमारा, और हमारा आंसर आता हुआ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 109 पे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप सेम डिट्टो ऐसे ही होगा क्वेश्चन को करिएगा, है ना, और उसके बाद उसके उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 हमसे क्या कह रहा है, ठीक, वैसे ऐसा ही क्वेश्चन है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, है ना, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 132, यहाँ पे 110 था, इस बार कितना है, इस बार हमारे पास है 132। कह रहा है कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आप 12 कर लीजिए, है, और जहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है यहाँ पे आप एडेड कर लीजिए, ठीक है। इफ 12 इज एडेड, यहाँ पर 12 है, 12 इज एडेड टू द नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, 12 इज एडेड टू द नंबर, यहाँ से ऐसे ये कट कर लेते हैं, 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, यहाँ पे न्यू नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 5 times द सम ऑफ द डिजिट, ये चीज़ लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये द न्यू नंबर इज 5 times द सम ऑफ द डिजिट, आगे आपका लिखा हुआ सम ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, यहाँ पे सीधा है सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे आगे क्या करना है, फाइंड
द नंबर। देखिए कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड अ नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 132। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन मैंने किया था डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसको करिए, आसानी से करिए, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको एग्जैक्ट आखिरी में जो आपके आंसर आने वाले हैं, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 और वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4, क्लियर, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 48, क्लियर। ये उसका आंसर होगा, ये मैंने आंसर ऐसे लिख दिया है ना। आप प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिएगा, है ना, बड़े आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन और बहुत बड़े तरीके से लग जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 110 पे हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया, 2002 में आया, तो मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप खुद से ही ट्राई करिएगा, सिंपल, जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया था डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, है ना, इसी बेसिस पे होगा, इसी तरीके से होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, 5 क्वेश्चन कराए थे पहले वीडियो में, उनको ध्यान रखिएगा, उस टाइप क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन जो इस टाइप क्वेश्चन है आपसे वो अक्सर हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आज मैंने लगभग 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 109 क्वेश्चन था, 110 एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, है ना, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ दिमाग से मत निकालिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं है वो हमसे बताइए, है ना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, क्लियर। चलिए आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट इज, लिख देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, हम लगभग 110 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, लगातार हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, 110 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। ये आगे क्वेश्चन नंबर 110 पे, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 110 पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 हमें से क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड एंड द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, बाई रिवर्सिंग द order of the digit, by reversing the order of the digit is 165. If the digit differ by 3, differ का मतलब पता है, माइनस, ठीक है, नेगेटिव, differ by 3, find the number। आई होप आपको बड़े तरीके से दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 165। कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर और उनको रिवर्स करके, वैसे पिछले क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो कितना है, 10y प्लस एक्स है, इसका रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर। अब कह रहा है इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, 10y प्लस एक्स को और प्लस में 10x प्लस वाई को, इन उनको ऐड करने पे, इनको रिवर्स करने पे हमारे पास कितना आसान 165 आ रहा है। पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर डिजिट डिफर बाय 3, कह रहा है अगर डिजिट्स के अंदर जो डिफरेंस है कितने का, 3 का, बहुत सिंपल सा, अगर डिजिट में 3 का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस का वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा, 3 आ रहा है ना, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही, ठीक। तो बस क्लियर, हमारे पास यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक, कई बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से आप मेमोराइज कर लीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो, है ना, बड़े आसानी से हो जाएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो 10x प्लस एक्स यहाँ से हो जाएगा 11x प्लस में 11y और यहाँ से हो जाएगा 165। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई 11 कॉमन लिया, डिवाइड किया तो 11 और 55, मतलब x प्लस वाई 15 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इससे सिंपल आप क्या ही लेंगे, हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 15 सॉल्व करना है आपको, ठीक है।
ठीक। अगर आपसे ये भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 15, अगर आपसे ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है, ये भी x वैल्यूज नहीं निकल पा रही है, तो आप बेटर है कि आप मैथ वैथ पढ़ना छोड़ दीजिए अब, ठीक है। अब क्योंकि अब आपको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात भैया, ठीक। अगर कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया गलती से कि 11th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, आपने 11th में मैथ्स लेने का सोचा है, ठीक है। तो अगर मैथ्स लेने का सोचा है तो फिर पढ़िए पढ़िए, बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। जो दिक्कत हो बताइए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे का सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करके 5 3 8 एक्स की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, है ना, और जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो 9 आ जाएगी और जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 में से 9 चला जाएगा आपका, तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो जो नंबर का फॉर्मेशन होगा हमारे पास, वो नंबर कौन से बनेंगे, ये नंबर हो जाएगा 10y + x है, है ना। 10y + x है, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 69 आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चले, मैंने कर दिया आपके लिए। नहीं समझ में आया आपको कि कैसे हो गया है, तो थोड़ा सा पीछे वाली वीडियोस को देखिए, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशंस को देखिए कैसे करते हैं, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत हार्ड नहीं है, है ना। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। मेन आपको है कि मेरा मेन वर्ड प्रॉब्लम्स कराने का मकसद ये है कि आप समझ पाएँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स करना कैसे, उनको उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, उनको समझना कैसे, है ना। बाकी सॉल्यूशन तो आप खुद करेंगे, सॉल्यूशन मैं क्यों करूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस लगभग मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, जो होमवर्क क्वेश्चन हैं सारे इसी के बेस्ड हैं, है ना, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो बेटर है कि आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। सारे क्वेश्चन को करिएगा अच्छे तरीके से और उनके आंसर लिखिएगा, ठीक, क्लियर। अभी मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूँगा, पॉज करने के बाद में जो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, है ना, तो आप देखने का आपका भी मन नहीं करता होगा, तो बेटर मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करूंगा, और जैसे ही पॉज पर जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे, तो एक बार में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, ये हैं क्वेश्चन आपके, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको ट्राई करना है। मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से बता दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है शायद आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो, ठीक, बस से कुछ ज़्यादा मैंने ट्राई किया कि मैं शास्त्र लिख दूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके, एक ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और दोनों क्वेश्चंस अभी जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई उसी के बेसिस पे हैं, क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि सम ऑफ 2-डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, सम ऑफ 2-डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज 99, इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर, है ना। सेम डिट्टो भी जिसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 110 था, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कह रहे हैं, 112 क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहा है 2-डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट, अ 2-डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए, है ना, ठीक। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके करना चालू कर लीजिए तुरंत ही, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है, और तुरंत उसको करना चालू कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, अपनी वैल्यूज़ को बताइए, क्या क्या आपका आंसर आया है, ठीक है, क्लियर। चलिए, मैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका 63 हो जाएगा, ठीक है, 63 या फिर 36, ठीक, इनमें से कोई भी आंसर हो जाएगा इसका, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन में आपके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 36, इसका आंसर 63 भी हो सकता है, इसका आंसर 36 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करिएगा, अगर आपका ये दोनों आंसर में से कोई भी आंसर आ जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है ना। लगातार वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, पॉज करने के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 113 और 114 को लिख दूंगा, ठीक है, और फिर इन क्वेश्चन को आप फिर सॉल्व करिएगा, ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलिए चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 113 और क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2-डिजिट नंबर, पहला पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, 2-डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20,
दो नंबर इस तरीके के हैं कि उनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो कितना है, 20 है। इफ़ 9 इज एडेड टू द नंबर, डिजिट्स इंटरचेंज दिए प्लेसेस, फाइंड द नंबर। अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स अपना प्लेस को क्या कर लेती हैं, इंटरचेंज कर लेती हैं, तो हमें नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक, यह है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, कि टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल से दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को मैंने पहले कराया है, अभी इसी वीडियोस में कराया है। ठीक है, इससे मिलते जुलते टाइप क्वेश्चंस हैं, बड़े आसानी तरीके से आपके हो जाएंगे। जो तरीका, जो ट्रिक आपको बताइए सॉल्व करने के, वही आप इस्तेमाल करिएगा और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 113, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि उसमें प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट बोला है, तो कुछ नहीं करना, हम लोग क्या लिट कर लेते हैं, एक्स की वंस की प्लेस पे एक्स मानते हैं, टेंस की प्लेस पे वाई मानते हैं, तो एक्स इंटू वाई 20 होगा डायरेक्ट, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट कितना है, 20 है। बाकी फिर आगे का सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको चार होमवर्क क्वेश्चन दे दिए, इन चारों होमवर्क क्वेश्चन को करिएगा और आप क्वेश्चन नंबर डालने के बाद अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 113, ऐसे करके आप अपना आंसर लिख दीजिएगा कि हाँ भैया मेरा ये क्वेश्चन सही हुए और मेरे ये आंसर्स आए हैं। क्लियर, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और आई होप कि आपने एनसीईआरटी करी होंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके लगे होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, बहुत आसानी तरीके से आपके लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना, जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब कुछ हम नेक्स्ट टाइप के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है, और फिर उन नेक्स्ट टाइप के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ये हम आ गए अपने डे 12 में, है ना, डे 12 हम लोग लगभग 114 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, है ना। ठीक है, और ये मेनली प्रॉब्लम्स कौन सी, ये फ्रैक्शंस वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपको फ्रैक्शंस बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 115। ये कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा जब मैं क्वेश्चन को कराऊँ थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जब फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, कि जब भी आपसे यहाँ पे बोलेगा आपको हर एक चीज़ को फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन इन द सेंस हो गया आपके पास, जैसे आपके पास ध्यान रखिए फ्रैक्शन कैसे होता है, एक्स अपॉन वाई, है ना, दो नंबर है, दो नंबर फ्रैक्शन होंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो गया। ये पार्ट हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, है ना, और ये पार्ट हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन में कई बार बोलेगा कि न्यूमरेटर में ये ऐड हो रहा, ये डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट हो रहा, तो इससे ये इक्वेशन बन रही, उससे वो बन रहा, इतना सम आ रहा। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन में कंसिडर किए जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 115 हमसे कह रहा है, चलिए मैं इस क्वेश्चन से सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर देन twice the numerator, ठीक है, twice the numerator when the both the numerator and denominator are decreased by 6। कह रहा क्वेश्चन में कि when both numerator and denominator, ठीक है, ये चीन वाली आवाज को आप थोड़ा सा neglect कर लिएगा। ठीक है, सबका अपना काम है भैया, सब वो काम करते रहेंगे, किसी को रोका जा नहीं सकता। कह रहा है डिक्रीज बाई 6,
देन डिनोमिनेटर बिकम्स देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर